बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देखे थे। उसके बाद जो आप लोग का पार्ट 2 आया था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 और 6 को सॉल्व किए थे, और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा सा ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोग को पार्ट वाइज समझा रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 7 है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सारे बच्चे पहले पढ़िए। क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या बताएं हम, जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 6 अंक, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। बहुत सारा बच्चे कहता है हमको कि सर हमको 6 अंक का बड़ी संख्या याद नहीं है। अरे याद आपको हम बोल रहे हैं नहीं करने के लिए, हम क्या बोल रहे हैं याद नहीं कीजिएगा, लिखिएगा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखिएगा बताइए तो। अरे जितना अंक का बड़ी संख्या बोले उतना 9 आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप 6 9 लिख दीजिए, 3 3 6 9 हो चुका है ना, बस यही क्या है 6 अंक की बड़ी संख्या। इसको पढ़िए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख, 99,999, ये क्या है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और आप लोग को बोल रहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर जरा ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, इसका जो आप लोग को अभी बताए दीर्घ विभाजन विधि उसी प्रकार से इसका भी आप लोग को करना है। ठीक है, ये तो यहाँ पर पहले लिख दिए। सबसे पहले सर हम लोग को इसका जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा बना लिए, क्या 3 जोड़ा बना है ना, तो देखिए 3 अंक की संख्या आएगी इसकी वर्गमूल की। ठीक है ना, वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी 3। जरा सा देखेंगे कौन सी संख्या का स्क्वायर करके 99 से कम आए या 99 के बराबर आए, तो आप लोग जस्ट बोलेंगे सर 9 का कीजिएगा, 9 यहाँ पर दीजिए, 9 का स्क्वायर करने पर आपका आ जाएगा 81। अब देखिए 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया 1, 18 आ जाएगा। इसको आप लोग जोड़ लीजिए 9 9 18। ठीक है, अब देखेंगे इसको तो 18 से लगेगा नहीं सर, हमको यहाँ पर क्या करना होगा 7 उतारना होगा, तो 1899 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देख के लग जाए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 9 दीजिए और यहाँ पर भी 9 देना पड़ेगा। जैसे ही 9 देंगे तो यहाँ पर देखिए 9 9 81 का 1 है ना, बचा कितना जी 8 है ना। तो उसके बाद देखेंगे आप लोग 9 8 72 8 80 का 0 बाकी 8 9 1 9 8 17 1701 आ चुका है आप लोग का, माइनस कीजिए तो 9 में से 1 गया 8 9 का 9 8 में 7 गया तो 1 और ये तो 198 आ गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए 9 9 18 का 8 है ना, बाकी कितना जी 1 8 1 9 और 1 है तो 1। इस प्रकार आप लोग को हो गया। अब देखिए करेंगे क्या सर, इस दोनों युग्म जो है ये एक युग्म जो है इस युग्म को साथ उतारेंगे तो क्या आ जाएगा जी, देखिए यहाँ पर 19,899 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखिए, आप ही लोग बताएंगे सर यहाँ पर 9 रख दीजिए है ना, अधिकतम हम लोग 9 ही रख सकते हैं तो यहाँ पर हम 9 ही रख देते हैं। 9 से जब रखिए तो 9 से गुना भी करना पड़ेगा तो 9 9 81 का 1 आ जाएगा, बचा कितना 8 9 72 72 8 80 का 0 बाकी कितना 8 9 9 81 8 90 और 90। यहाँ पर देखिए जरा सा 9 8 72 80 8 बचा ना 9 9 81 81 8 कितना 81 8 हो जाएगा 89 है ना, 89 का 9 बचा कितना 8 9 1 9 8 17 है ना, इस प्रकार आप लोग का आ जाएगा। तो देखिए घटाइए तो यहाँ पर जरा सा घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में 0 गया तो 9, 8 में से 9 जाएगा नहीं 1 बचा लेंगे, 18 में से 9 गया तो 9, 8 में 7 देगा 1। यहाँ पर तो इतना आप लोग का बच चुका है 1998, इसको जोड़िए तो ये भी कितना आएगा 1998। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर जो शेष बचा, क्या बोले हम, जो यहाँ पर शेष बचा अगर हम उसको इस संख्या में घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पर क्या बोलता है वह संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जरा सा अतः क्या बताए 9,99,999 में 1998 घटा है ना, क्या लिखे घटा दी तो प्राप्त, तो प्राप्त प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब आप लोग यहाँ पर कर भी लीजिए है ना, 9,99,999 माइनस में 1998, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0
है ना, नौ में से नौ गया जीरो, अब देखिए ये नौ, ये एक गया आठ, अब देखिए नौ नौ, ये आप लोग का आ चुका है। और ये जो आप लोग की संख्या है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो वर्गमूल आप लोग का इसका क्या हो जाएगा सर, 9,98,001 है, इसका वर्गमूल करें तो सर जो यहाँ पर जो संख्या है ना, यहाँ पर जो संख्या है ना, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो सीधा सा बराबर में 999 आप लोग लिख दीजिए और यहीं पर आप लोग का ये आंसर दे दीजिए। तो चलिए हमको बताइए जल्दी से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन को सीख चुके हैं। एक बार फिर से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दो तीन बार हमारा होमवर्क के लिए आपको इतना ही कम देंगे कि इसको आपको कम से कम दो बार बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए चलिए यदि अगला क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है चार अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे उसी प्रकार सेम प्रोसेस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, हो सकता है यहीं पर हम लोग क्या करें सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले चार अंक की बड़ी संख्या लिखिए, तो बोलेंगे सर 9000 यहाँ पर 999 हो जाएगा। ये संख्या को आपको लिखने के बाद करना क्या होगा जरा ध्यान से समझेंगे, इसका उसी प्रकार जोड़ा बनाएंगे जिस प्रकार हम लोग पहले किए थे उसी प्रकार सेम प्रोसेस करना है। तो देखिए 9 से लगाएंगे, 9 बार में लगेगा 81 आ जाएगा 9 का स्क्वायर, उसके बाद 9 9 18 हो जाता है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 1818 गया ना। फिर यहाँ पर दोनों जोड़ा को उतार लेंगे, ये एक क्या है युग्म है, ये क्या है एक युग्म है, और जब भी उतारेंगे युग्म को उतारेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1899 आ गया, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 9 दे देंगे और यहाँ पर भी 9 दे देंगे, और 9 से जब आप लोग गुना कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पर 1701 आ जाएगा, है ना, 1701 आएगा। तो इसको दोनों को आप लोग को क्या करना है जोड़कर लिख देना है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 198, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या बाबू, आप लोग को इस संख्या में 198 यदि आप लोग क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, लिखेंगे अतः 9999 में 198 घटा दे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए 9999 माइनस 198, आप लोग यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी क्या आएगा, आप ही लोग बताएंगे सर, यहाँ पर जो आप लोग को संख्या आएगा कितना आएगा जल्दी से बताएंगे। देखिए तो 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, और 9 का 9 9801 आएगा। अगर आप लोग इसके स्क्वायर की बात कर ले, अगर हम लोग यहाँ पर 9801 ये किसका सर स्क्वायर है, अगर हम लोग इसकी बात कर ले तो आप लोग का ये आ जाएगा। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। हमको क्या बोल रहा है ये, छोटी से छोटी, पहले जितना क्वेश्चन देखे वो बड़ी से बड़ी बोल रहा था, लेकिन अब बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, करना बहुत आवश्यक है, तो चलिए बाबू हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले बाबू आप लोग को मैं पूछूंगा कि 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिए बाबू हम लोग किसी भी अंक का छोटी संख्या अगर लिखना होता है तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं ट्रिक आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर 6 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो हम लोग करेंगे क्या, पहले 1 लिख देंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे 1 लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड कितना अंक का रहा है, 6 अंक का, तो 6 से 1 का मतलब 5 शून्य देना है, किधर, 1 के दाईं ओर, 1 के दाईं ओर। तो देखिए तो 1 2 3 4 5, ये 5 शून्य आप लोगों आप दे दिया। अब देखिए बाबू करेंगे क्या, हम युग्म बना लेंगे जिस प्रकार अभी पिछले प्रश्न में बनाए थे, ऐसे बनाइए तो युग्म बना लिए, चलिए बना लिए इस प्रकार। अब देखिए आप लोग को दीर्घ विभाजन भी दीजिए सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि 10 से कम आए या 10 के बराबर आए, तो आप बोलेंगे सर 3 का यदि स्क्वायर करते हैं हम लोग तो आप लोग का 9 आता है कि नहीं। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये 0 नहीं उतारना है, ये पूरा युग्म दोनों 0 उतारना है, ठीक है, और इस दोनों को जोड़िए तो 6 आ जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर भी 1 देंगे, और 1 बार में लगाएंगे तो 61 आ जाएगा, 61 ले लीजिए, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पर कितना बचा बाबू 9 में से 6 गया तो 3, है ना,
तो देखिए करेंगे क्या सर, ये 39 आ गया। अब ये 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कितना दे कि 39 से थोड़ा सा ज़्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 7 दे दें और यहाँ पे हम लोग 7 दे दें और अगर हम 7 से गुना करें तो 7 × 7 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 × 2 14, 4 × 18 का 8, हाथ में रहा 1, 6 × 7 42, 1 × 43, इसको जोड़ लीजिए तो 634 आ जाएगा। इसको जरा यहाँ पर करेंगे तो बाबू आप लोग का 489 आएगा, वो भी माइनस का। और हम आप लोग को बता रहे हैं कि हमेशा आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को 489 का माइनस का ही लाना है। कैसा लाना है बाबू, 489 माइनस का ही लाना है। यहाँ पर देखिए छोटी संख्या बोल रहा है ना, तो करेंगे क्या सर, करेंगे क्या सर, यहाँ पर देखिए ये 6 अंकों की छोटी संख्या पहले लिखिए तो 1 2 3 4 5 लिख लिए, इसमें बस आप लोग को 489 जो यहाँ पर शेष आया, जो शेष आया इसको जोड़ देना है। जोड़ देंगे कितना आएगा बाबू, आप ही लोग हमको बताइए कितना आएगा, 1,489, यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल था बाबू, आप लोगों ने देखा। अगर छोटी संख्या पूछे तो आपको घटाना है, अगर 6 अंक छोटी संख्या पूछ रहा है घटाए, अगर वही बड़ी संख्या पूछता तो क्या, और जोड़ देंगे, ठीक है ना। छोटी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बड़ी संख्या पूछेगा घटा देंगे। क्लियर हुआ चीज, अगर बाबू 6 अंक की छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। अगर बड़ी संख्या में पूछता पूर्ण वर्ग संख्या तो हम लोग क्या करें, इसमें से क्या किए थे, घटा दिए थे, है ना। समझे, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक पूछ रहा था वर्गमूल भी बताएं, पूछ रहा है ना वर्ग संख्या का वर्गमूल बताएं। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का 1,489 है, अगर इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 317, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 60,025 m² है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर, है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, तो आप ही लोग बताइए। तो करेंगे क्या सर, जैसे यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है ना, इसका आप लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वो भी दीर्घ विभाजन विधि से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 60,025, और इसको आप लोग को उसी प्रकार जो पहले युग्म बना लेना है, युग्म बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर कितना से लगाए कि 6 से कम आए, कौन सी संख्या का स्क्वायर करें, तो बोलेंगे सर 2 का, 2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आप लोग का 4, और 6 में से 4 घटा ये 2 आएगा, ये दोनों सुना है तो दोनों सुना उतार दिए, 2 2 जोड़ने पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कितना दें सर, यहाँ पर अगर 4 देते और यहाँ पर भी 4 देते और अगर हम 4 बार लगाए तो देखिए तो 4 × 16 = 6, बाकी 1 × 4 = 16 = 117, 176 आ जाएगा। जैसे ही इसमें 200 में से 176 माइनस कीजिएगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 24, और इसको जोड़ लीजिएगा ये 48 आ जाएगा। अब देखिए ये 25 को आप लोग को यहाँ पर उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कितना फुट करें कि यहाँ पर आप लोग देखिए 5 फुट कीजिए तो यहाँ पर भी 5 दीजिए, यहाँ पर भी 5 दीजिए। अब देखिए आप लोग लगाकर देखिए तो 25 × 25 = 5, हाथ में कितना रहा 2, 8 × 40 = 2, 42 का 2, हाथ में रहा 4 × 5 = 24, ये तो पूरा पूरा कट गया, है ना। अब आप लोग का देखिए यहाँ पर भागफल कितना आया, 245 आया, ठीक है ना, 245 आया। ये क्या आया, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया था एक आदमी साइकिल से 5 मीटर। चलिए इसको तो पहले बाद में हम लोग देखेंगे, समय बाद में निकालेंगे, पहले ये वर्ग का क्या है, परिमाप, वर्ग का परिमाप देखिए आप लिखेंगे जरा। देखिए ये हम लोग को जो आया उसको रहने दीजिए, ये जो 245 मीटर आया ना, ये वर्ग की भुजा है, क्या है जी, वर्ग की भुजा है। ये क्षेत्रफल था, इससे हम लोग क्या निकाले, भुजा निकाले, इससे हम लोग क्या निकाले, भुजा निकाले। आपको पता होगा कि वर्ग का जो भुजा होता है वो होता है रूट अंदर क्षेत्रफल, क्या होता है, रूट के अंदर क्षेत्रफल, है ना, रूट के अंदर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल था वो रूट के अंदर ही था, है ना, 60,025 था ये रूट के अंदर था, इसका वर्गमूल करके इसको बाहर निकाल लिए, 245 आ गया। ये क्या आया, वर्ग का भुजा आया। अगर हम वर्ग की परिमाप की बात करें, वर्ग की परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, क्या होता है, 4 × भुजा, और 4 आप लोग को दिया है, भुजा हमने 245 निकाला तो ये 245 यहाँ पर लिखेंगे। अब आप लोग गुणा कीजिएगा तो 980 आ जाएगा, कितना आएगा जी, 980, 980 क्या मीटर स्क्वायर ना। अच्छा जब आप लोग 980 मीटर स्क्वायर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल, एक आदमी जो है साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकेंड, अच्छा 5 मीटर प्रति 1 सेकेंड में कितना, 5 मीटर, है ना, चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, और 980 मीटर उसको करने में कितना देर लगेगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर समय बराबर
980 अभागा दे दीजिए 5 से, इसको काटिएगा 5 एकम 5 4 8 4 मतलब 48 पन्नामा 45 कितना बचा 30 5 छक्का 30 196 है ना 100, तो वह कितने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा कितने समय में, तो 196 सेकेंड में, ठीक है ना। यही आप लोग का क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बच्चे ले सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार बाबू आप लोग का ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट होता है। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने हल किया है ना। इसमें देखिए पहले हम लोग इसमें क्या सीखे थे, पूरा हम वर्ग और वर्गमूल पूरा सारा कुछ एक बार हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसको वर्ग कहते हैं। आप लोग जान रहे हैं जैसे 4 का वर्ग पूछेगा तो 4 गुना 4 मतलब 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, यही 4 का क्या हुआ वर्ग हुआ, ठीक है। ये आप लोग समझ चुके हैं, अर्थात माना कि n कोई संख्या, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। मतलब n गुना n करेंगे तो m आएगा, अर्थात m बराबर n स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। वर्गमूल वर्ग की क्या है, प्रतिलोम संक्रिया, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या में दो पूर्ण वर्गमूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वर्गमूल भी सीख चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोग का ये जो वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर था ये पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग आगे का जो चैप्टर है घन और घनमूल, यही ना चैप्टर है, तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डेली क्लास सुबह के 6 बजे मैथ की होती है और शाम में आप लोग का हिंदी इंग्लिश का क्लास चलता है क्लास 8 का। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ जाए है ना, और डेली क्लास करते रहे। धन्यवाद जी।